मकई मकई और पहाड़ का सीन तो देख सकते भाई, इतना अच्छा पहाड़ का सीन। तो पहाड़ का व्यू देखिए, इतना अच्छा दिख रहा है भाई साहब, इधर बैठने का अलग ही मजा है। देख सकते पहाड़ के टॉप पे शिव जी का मंदिर है, देख सकते कल आए थे उधर, आज रात यहीं रुके यहाँ दोस्त के घर में। सो वेलकम गाइस, सब लोग का स्वागत है एक नया वीडियो पे फिर से। भाई कल आए थे यहाँ रात को और अभी तो हम आए इधर घर से, वहाँ पर देख सकते पीछे घर, हम आए थे इधर पहाड़ के ऊपर, इधर बहुत अच्छा दिखता है ना, उधर से अच्छा व्यू दिखता है, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग गया, क्या बोलते हैं इधर चीता मिलता है ना, चीता भालू होता है ना, सो इसलिए मैं जल्दी जल्दी नीचे आ गया, ज़्यादा अच्छी तरह से व्यू तो नहीं बनाया ऊपर से। वो देख सकते ऊपर पहाड़ है ना, एकदम ऊंचा है और वहाँ से तो एकदम अच्छा व्यू दिखता है। वो एक है उसमें एक व्यू टावर भी है, देख सकते हैं एक छोटा सा व्यू टावर भी है, लेकिन कोई बात नहीं। चलो भाई दोस्त अगर वहीं जाते, हम तो आए थे इधर थोड़ा सा सीन देखने के लिए और पिसा फेरने के लिए, पिसा फेरने के लिए मतलब तो वो बात नहीं, लेकिन आए थे। ये क्या हुआ भाई साहब, ये पहाड़ पे कितना बहुत महीने के बाद आया हूँ ना, इसलिए अच्छी तरह से चल भी नहीं सकता हूँ ना मैं, क्योंकि हैबिट एकदम खराब हो गया, तराई रीजन में बैठे एकदम खराब हो गया। कभी कभी पहाड़ में भी चलना चाहिए भाई साहब, काम शाम छोड़ के सब। अब इधर देख सकते हैं बेलौती का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, देख सकते हैं अभी वहाँ जाऊँगा, थोड़ा एक दो अमरूद मिलेगा तो खाऊँगा। पहाड़ का अमरूद एकदम अच्छा होता है ना, कल क्या बोलते पहाड़ का आम खाया था, इतना बड़ा बड़ा एकदम मीठा था, एकदम क्या बोलते चीनी जैसा गुलियो था, हाँ तो वही था, लेकिन अमरूद एक भी नहीं है। पहले तो जाते भाई, देख सकते पहाड़ इतना अच्छा दिख रहा है ना, यहाँ से क्या दिखाऊँ, दिखा तो थोड़ा थोड़ा एकदम डेंजर भी यहाँ का पहाड़। वहाँ से आए थे कल, एकदम थकान महसूस हो गया और एक रात तो रेस्ट हो गया दोस्त के घर में, अभी तो जाएंगे वहीं पर और आज लौटने वाले हैं घर पे नीचे। अभी तक फिलहाल जाके खाना खाएंगे, उसके बाद क्या क्या काम होगा दोस्त का, उसके बाद हम लौटेंगे यहीं से नीचे, सीधा मेन हाईवे पे निकलेंगे, वहाँ से गाड़ी पकड़ेंगे और जाएंगे। पहली बात तो क्या बोले भाई साहब, आज का व्लॉग यहीं से शुरू करते हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी दबा देना भाई, इतना तो सपोर्ट बनता है। ये देख सकते ये बोलते भुट्टा, मकई बोलते मकई, ये पहाड़ में इतना अच्छा होता है, इधर इतना अच्छा उगा है पूरा मकई मकई, उधर भी है देख सकते मकई मकई और पहाड़ का सीन तो देख सकते भाई, इतना अच्छा पहाड़ का सीन तो क्या ही बताऊँ भाई। सुबह सुबह में तो बहुत अच्छा दिखता है, अभी तो पूरा घाम निकला है, लेकिन अभी अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन सुबह सुबह में बहुत अच्छा दिखता है। और देख सकते मंदिर भी इतना पास है ना, लेकिन पहाड़ का व्यू देख सकते इतना अच्छा दिख रहा है, बादल क्या बोलते बादल पूरा नीचे आया है, देख सकते एक घर इधर ही, पहाड़ में ज़्यादा घर नहीं होता, घर होता है लेकिन एकदम दूर दूर होता है, एक इधर में एक घर, इधर में एक घर ऊपर है, ऐसा ही पहाड़ में क्या करें। अभी तो मैं पहुँचने लगा हूँ, लेकिन अभी भुट्टा खाने का मन था, लेकिन अभी ये छोटा छोटा है, अभी तक इसका बच्चा नहीं निकला है ना, ये भुट्टा का मकई नहीं निकला है। और ये पहाड़ का सीन देख के तो भाई साहब मन ही एकदम खुला हो जाता है। अभी तो आए हैं घर पर, अभी आदमी लोग हैं ना, मैं इधर कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि चुपचाप बैठना है ना, इधर बहुत डेंजर है, मेरा दोस्त का डैडी, इसलिए चुपचाप बैठूंगा, पहले जाऊंगा घर थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा, लेकिन आपको तो ये दिखा लगता है ना पहाड़ का नज़ारा, इतना अच्छा दिख रहा है, देख सकते हैं। ये कपड़ा का इग्नोर करिए, बच्चे लोग का कपड़ा है, पहाड़ का व्यू देखिए इतना अच्छा दिख रहा है भाई साहब, इधर बैठने का अलग ही मज़ा है, रात को गर्म भी नहीं होता लेकिन मासा काटता है एकदम। चलो भाई चलते आगे, देखो घर आगे है, क्या बोलते बाबा जी के पास आए हैं, आम दीजिए, आम यहीं फले को, देख सकते इतना अच्छा पहाड़ का आम है ना, एकदम मीठा होता पहाड़ का आम, कुत्ते का संगत कुत्ता ही करता है, देखो इसको बहुत अच्छा होता। पहाड़ में गांव में बैठते हो तो क्या बोलते, एक कुत्ता तो घर में क्या बोलते रखना चाहिए, देख सकते हो गंजा गांजा गांजा गांजा, बाबा जी ने बुलाया था आम खाने के लिए, सो आम भी दे दिया, इतना ज़्यादा इसके हाथ में कितना छः, मेरे हाथ में एक साथ, यहाँ देखो मुस्कान। अभी तो फाइनली खाना बन रहा है उधर, अभी कितना बजा, 10:30 हो गया, उसके बाद थोड़ी देर के बाद खाना खाएंगे, उसके बाद चार मिला नीचे जाएंगे, पहाड़ से नीचे जाएंगे, अपना क्या बोलते विलेज सिटी मदेश में जाएंगे, मदेश में इसको मदेश दिखा रहे हो आप, ऐसे पकड़ो ना सीधा। चलो भाई पहले आम खाते पक्का वाला,
पीछे देख सकते हैं इतना अच्छा बढ़िया सीन। घर में खाना खा के तो कितना एक घंटा रेस्ट के बाद निकले हम। अभी बड्डा उधर बेड़ी बनाने लगे। अभी जाएंगे थोड़ी देर इधर रेस्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे फिर, धूप भी निकल गया ना फिर से काम। देख सकते हैं पहाड़ का सीन। हम कल क्या उधर से गए थे, वहां से लौटने के समय में इधर से आए। फाइनली पहुंच गए पानी खाने वाली जगह में। देख सकते अंकल गए पानी भरने के लिए। अभी जाना है बहुत दूर है, 5-6 किलोमीटर। तो फाइनली आधे रास्ते तक पहुंच गए हम लोग। इतना पसीना निकल गया लेकिन कपड़ा सब कुछ भीग गया। इसका देखो, इसका भी पूरा कपड़ा गंदा हो गया नीचे तक। जूता किधर है तुम्हारा? उधर। ये भी पसीना पसीना, अंकल भी पसीना पसीना हो गए। और देखिए 4-5 लोग उधर गए। अभी हम यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे, इस पप्पी को देखने आए थे ना। पप्पी हम लोग जाएंगे अब वहीं बैठना, ठीक है? इसका ये छोटा वाला छगड़ी का पेट टूटा हुआ है। क्या करें भाई साहब, ऐसा है जिंदगी। अभी आगे जाएंगे, वो जो पहाड़ है ना उसके नीचे हाईवे, वहाँ जाएंगे, गाड़ी पर बैठेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। भाई तुम भी कुछ बोल देना, ठीक है? नहीं बोलोगे? वो देखो छोटे छोटे बच्चे भी है दो, लेकिन थकान महसूस हो गया। चलो यहाँ से भी चलते हैं थोड़ी देर रेस्ट करके, उसके बाद देखेंगे आगे जाके क्या होगा। खाना खाया था ऊपर लेकिन सब निकल गया, सब हजम हो गया सब खाना। इसको देखो एक बार, इसको दिखाएंगे। नखड़े वाली है ना, नखड़े वाली, हाथ दे नखड़े वाली। चलो हम भी यहाँ से चलते, वो लोग आगे जाएंगे, दीदी लोग, दीदी बहन लोग आगे जाएंगे, उसके पीछे पीछे हम लोग जाएंगे। चलो भाई, बहन है ये भी बहन है, टाटा टाटा। 3 घंटे के रास्ते के बाद अभी अभी आए हैं मेन हाईवे पे। देख सकते हैं आगे कहाँ नहाना है। अब एक स्विमिंग पूल है, नेचुरल स्विमिंग पूल, वहाँ जाएंगे नहाएंगे और चीसा तक भी फिर से पहनेंगे वही। अंकल कहाँ गए? अंकल बहुत आगे निकल गए, हम लोग पीछे पीछे बैठते बैठते आराम करते करते आए। देख सकते इतना ठंडा पानी है, ठंडा है क्या? क्लीन है यार, एकदम क्लीन है। देख सकते इसको, देखो इसने गंदा कर दिया। और पीछे देखो सीन, देखो भाई पहाड़ आने का मजा ही यही है। अब हाईवे कहाँ पर है वो देख रहे हैं ना, वो पहाड़ उसके नीचे है मेन हाईवे, तो यही ना उसके नीचे हाईवे। अब पहुंचने वाले थोड़े आगे जाके, वहाँ स्विमिंग पूल है ना छोटा सा, वहाँ जाके नहाएंगे, थोड़ा नंगा नहाएंगे अंकल के साथ। इतना बड़ा बड़ा, इतना मोटा मोटा मछली था ऊपर, पकड़ने के लिए कोशिश किया लेकिन इसने भगा दिया। देखो बुच्चा। चलो क्या करने के लिए, ये सिलौटा सिलौटा के लगे कहाँ से आया? बुटवल से यहाँ सुबह ही आए। हाँ। जो आप घर में पीसते ना वो मसाला, वही तो है ना मसाला। हाँ, पीसने वाला पत्थर का होता ना, वो इतना मेहनत करके बनाते हैं। देखो नदी में आया मैं सुबह इतने दूर से, देखो कैसे बनाता है। कितना बना अब तक, अभी तक अभी है? अभी बन रहा है, इसको बनने दो। अब यहाँ से लेके जाएंगे, वो बेचेंगे सिटी एरिया में। जो चकली पीसता है ना वो मसाला, गरम मसाला पीसते है ना वही है। अब नहाने के नेचुरल स्विमिंग पूल आ गया, कितना हरा है देखो, मैं तो नंगा ना हूँगा। हाँ भाई तुम यही आओ तीन, बहुत अच्छा है नेचुरल स्विमिंग पूल। देख सकते हैं हाईवे उधर है। चलो भाई हम भी नहाते स्विमिंग पूल में।
गाइस ऑफ नेचुरल सीनरी। वन टू थ्री गो। ये तो अंकल पहले भाग गया। अंकल ढाका टोपी लगा लिया अंकल। अब जाएंगे, एक घंटा तो हमने नहाया, अब जाएंगे, कपड़ा उपड़ा चेंज भी हो गया, अब जाएंगे सीधा ऊपर, यहाँ से रोड पे निकलना है, उसके बाद गाड़ी चढ़ के जाएंगे। चलो चलो चलो, बहुत अच्छा है नहाने के लिए, लेकिन पानी गर्म था ना, अब अच्छा हो गया, मत खींचो मेरा चड्डी। चलो चलो चलो, सामान उठाते हैं पहले, उसके बाद कपड़ा लगाते हैं, कपड़ा लगाने के बाद चले जाएंगे ऊपर, ऊपर जाके गाड़ी रोकेंगे, उसके बाद जाएंगे घर, जाके मस्त बेड पे सोएंगे। देख सकते हैं गाड़ी चल रहा है उधर, सोल्टी ना लोग सब चले गए बैठ के, हम लोग बाद में जाएंगे। मैं हाईवे पे मामा खोला पहुंच गए, चीज दे रहा है, वैसे पोस्ट दे रहा है, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ ना इसीलिए पोस्ट दे रहा है। चलो भाई, थोड़ी देर में गाड़ी आएगी, उसके बाद जाएंगे, किसमें होगा टिप्पर शिप्पर। हाँ अगड़ियो जा रहे, किसी का मोबाइल नहीं बना, किसी का व्हाट्सएप में रजिस्टर नहीं हुआ। सो गाइस, फाइनली हम लोग घर पहुंच गए, हम लोग मतलब साथ दोस्त को छोड़ दिया बाइक में, उसका घर में आ गया, इधर देख सकते हैं, इधर मैं भूखा ठुली कर, हाँ ढोक दिया, देखा ना ये दर्शन करता है, ठुली कर ये साइड में ठुली कर, हाँ देखा भाग्य मानी, इसको मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ ना, देखो आशीर्वाद बहुत आरामी है ना। अभी तो हम आए घर, हम कहाँ गए थे, यहाँ से भी दिखता है उसका दोस्त, क्या बोलते हैं, शिवगढ़ी मंदिर, देख सकते हैं जो वहाँ पहाड़ है ना एकदम टॉप वाला, एकदम तीखा है ना एकदम, वो वहाँ पर गए थे, यहाँ से इतना दूर। सो फाइनली अभी तो घर पे आ गए, अब शाम का काम शुरू होगा, यहाँ पर अपना वो चौचौ अंडा वाला दुकान होता है ना वो बाहर होगा, पैसा तो कमाना पड़ेगा ना, एक दिन गैप हो गया, उसके बीच में किसने किया मुझे तो पता नहीं, लेकिन आज मेरा चल है, ओए इधर रहा, ओए ये देखो, ये मेरा भांजा है, नमस्ते नमस्ते, स्वागत है, नमस्ते नमस्ते, हाँ नमस्ते नमस्ते, नाचो नाचो एक बार, डिमकी टिकन डिमकी टिकन। सो कोई बात नहीं, ये थोड़ा लजालू है ना इसलिए। सो अभी तो काम शुरू होगा, काम करूंगा, पहले तो कपड़ा चेंज करना है, एकदम बोका बोका गंदा आ रहा है इससे। सो आज का ब्लॉग यहीं तक एंड करूंगा, सपोर्ट करते रहना है ठीक है, और क्या बोलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पे भाई प्यार दिखा देना, कोशिश करूंगा अच्छा अच्छा वीडियो बनाने के लिए, एकदम सपोर्ट करते रहना, अच्छा अच्छा ब्लॉग बनाऊंगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना भाई, अभी के लिए फिलहाल टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।